हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश पढ़ने का आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो आप जान लीजिए बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं वाहिद जाफरी आप सभी को बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है बिल्कुल आसान तरीके से, एक फनी वे में, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे इंग्लिश पढ़ना चालू कर दिए, आपको कैसे आ गया। तो सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ABCD आना जरूरी है। अगर ABCD नहीं आएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन अक्षर क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले ABCD जरूरी है। तो अगर ABCD आता है तो बढ़िया है। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले ए, यहाँ ए से देखेंगे, ए से क्या बनता है, ए से बनता है अक्षर आ, और आ का मात्रा इसे कहा जाता है। तो ए से आ बनता है, ए भी बनता है, जिसे CAR, यहाँ हम एग्जाम्पल भी लिख दिए, इससे आपको आसानी होगी देखकर समझने में। तो CAR कार, तो ऐसे हो जाता है कभी कभी CAR कार, और JAR जार। तो अब यहाँ ए की मात्रा पे आते हैं, CAT कैट, BAT बैट, RAT राइट, ऐसे एक मात्रा भी बनता है, आ का मात्रा भी बनता है। अक्सर हम SMS में लिखते हैं, बाई चांस हम मैसेज करना होता है जा, तो JA लिख देते हैं, कर KAR कर लिख देते हैं, पर आ का मात्रा कहीं कहीं नहीं होता है। पर B से अब देखते हैं, B से क्या बनता है, बा, BAT बैट, बैट मीन्स बल्ला, तो B से बा बनता है। कुछ अक्षर एक जैसे, जिस तरह हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं उसी टाइप के होते हैं, बी बा मिलजुल है ना, दिमाग में अपने आप याद हो जाएगा। अब सी पे चलते हैं, सी से बनता है का, सी से बनता है का, और सा भी बनता है, और कब कब बनता है ये जान लीजिए। इंग्लिश एक ऐसा शब्द है, विदाउट आप गाइडेंस के, बिना किसी टीचर के आप इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वाहिद जाफरी को। और फिर देखते हैं यहाँ डी, हाँ सी, सी पर देखिए, सी से का बनता है, CUP कप, और देखिए यहाँ का बन के, अब यहाँ देखते हैं कैसे सा बनता है। कभी कभी देखते हैं जैसे RACE रेस, रेस हो गया, और यहाँ सी से का बनता है। तो जब तक आप टीचर से नहीं अध्ययन करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कब का बनता है कब सा बनता है। तो इसीलिए हम आ गए हैं, अब टेंशन की बात नहीं है। अब डी को देखते हैं, डी से क्या बनता है अक्सर, डी से डा बनता है और दा बनता है, डी से DOG डॉग, और दा कब बनता है अक्सर कहते हैं जब SMS में लिखते हैं तो DAL दाल, मान लीजिए हम कहेंगे दाल खाना पसंद है तो DAL दाल, KHANA खाना, तो इसे तो लिखते हैं SMS में तो वही लिखा हुआ है, तो दाल, तो डी से दा भी बनता है और डा भी बनता है। अगर ये सब याद कर ले रहे हैं, अगर आप इसको नोट करें तो बहुत बेहतर, अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो बहुत ही बेहतर होगा और आसानी हो जाएगी इसको याद करने में। अब ई पे चलते हैं, ई से ध्यान से देखते हैं कि ई से कौन कौन से अक्षर हिंदी के बनते हैं। तो ई से बड़ी की मात्रा अक्षर बना करते हैं, जैसे EAT ईट, EAST ईस्ट, ईस्ट मीन्स पूरब, ईट माने खाना, और ए अक्सर ए करके ज्यादातर ही बनता है, जिसे EGG ए हो गया। और हम लोग अगर लिख रहे हैं SMS में तो अक्सर ई का उच्चारण हम ए की मात्रा के लिए ही ज्यादातर करते हैं, जैसे यह मेरा किताब, मान लीजिए लिखना हो तो मेरा, तो यह हम ERA लिखेंगे हम लोग मेरा, तो इसे ई का ज्यादातर उपयोग ए की मात्रा के लिए ही किया जाता है। अब यफ पे चलते हैं, यफ से फा होता है, देखिए कुछ अक्षर मिलते जुलते अभी बताए थे हम आपको, यफ फा मिलते जुलते हैं तो दिमाग में तुरंत याद हो जाएगा यफ फा, जैसे FAT फैट मीन्स मोटा होता है। अब जी पे चलते हैं, क्या लिखा है, जी, जी से क्या बनता है, गा जा, तो GUN गन, गन मीन्स बंदूक, और जा कब बनता है देखिए यहाँ GINGR जिंजर, जिंजर मीन्स होता है अदरक। तो ऐसे कभी भी अगर आप ऐसे देखें तो उसको पढ़ने का प्रयास करें। यच पे चलते हैं, यच से बनता है, और HAT हैट, हैट मीन्स टोपी, और यहाँ चा कब बनता है, जैसे अगर यच के साथ सी हो तब उसका उच्चारण चा होता है, अन्यथा
चा नहीं पढ़ा जाता, उसे हा ही पढ़ेंगे। जैसे सी ए टी सी एच कैच, एम ए टी सी एच मैच, बी ए टी सी एच बैच। तो इसे जान लीजिए अगर सी प्लस एच है तो उसका मतलब चा ही होता है अक्सर। अब आई पे चलते हैं। आई आई से हिंदी के वर्ड छोटी का मात्रा और आई ही बनता है अक्सर। जैसे या फाई टिफिट, पी आई टिपिट, तो जान लीजिए ये एफ आई टी फिट हो जाता है। और फिर आई पे चलते हैं। आई आई से आई सी जो लिखा आइस, आई से आई सी बनता है और छोटी की मात्रा भी बता ही दिए हैं। जैसे आइसक्रीम लिखा होता आई सी ई आई सी आर ई एम आइसक्रीम। फिर इस पे चलते हैं जे। जे पे जे से बनता है जा, जैसे जे यू जी जग। तो ये कुछ वर्ड रहते हैं अभी बताया है ना, कुछ अक्षर हैं कि जैसे एक जैसे मिलते जुलते हैं तो अक्षर याद भी हो जाता है। जा जे जा मिल रहा ना, तो कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप लोग देखते जाइए। फिर यहाँ देखते हैं के यहाँ देखते हैं के से क्या बनेगा, का के का जे जा के आई एन जी किंग। फिर यहाँ देखेंगे कि यल से क्या बनता है, यल यल से ला बनेगा। देखिए के का जे जा यल ला मिलता जुलता ना तो याद हो जाएगा तुरंत। यल से यल्फा लायन, लायन भी होता है यल आई एन लायन। और अब चलते हैं यम की तरफ, चलते हैं यम की तरफ। यम यहाँ है यम, तो यम से देखेंगे कौन सा अक्षर बनेगा मा। और एग्जांपल क्या है, यम ए एन मैन, आराम से सिंपल। और यहाँ देख लीजिए एक और एग्जांपल मिल गया, आप देखकर समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। जैसे अगर ए अभी बताए हैं ए से एक मात्रा बनता है, तो ए से एक मात्रा होगा, यम से मा, तो यहाँ मैं पर आए माँ पर आए मात्रा मैं, यन से यहाँ ना हो गया तो मैन, ऐसे आप पढ़ सकेंगे आराम से। तो फिर यन पे चलते हैं, यन से बनता है ना ना यन ना यन ना, मिल रहा है ना यम माँ, कुछ अच्छा ऐसे मिल जा रहे हैं कि दिमाग में सेट हो जाएगा कौन किससे क्या बनता है, तो इससे आपको वर्ड पढ़ने में आसानी होगी। फिर जैसे यन ओ नो हो गया, यन ओ टी नॉट आप पढ़ने में आसान हो जाएगा। ऐसे वो से अक्सर जैसे आ ही बनते ओ एन ऑन। फिर देखेंगे ओ आर ए एन जी ऑरेंज, ऑरेंज ऐसे बोलते हैं ना आ करके, तो वही होता है। और उससे ओ भी बनता है यम ए एन जी ओ मैंगो, ओ आना लास्ट में आया ना, तो ये ओ का मात्रा भी लगाया जाता है पीछे, तो उसे आ ओ दोनों ही बनता है। और पी से पा ही बनता है, एक ही अक्षर बनता है, तो पी ई एन पेन, ऐसे पी से पा बनता है। और क्यू पे देखते हैं, क्यू से अक्सर ज़्यादातर आधा का ही बनता है, जैसे क्यू यू डबल ई एन क्वीन, क्वीन मीन्स रानी, क्वीन मीन्स रानी। और जैसे क्वालिटी लिखना हो तो क्यू यू आई एल आई टी वाई क्वालिटी, तो ऐसे। फिर यहाँ देखेंगे कि आर, आर फॉर रैट, आर से रा रा आर आर, ऐसे मिलता जुलता है ना आर ए टी रैट। और अभी बताए थे ये पढ़ने में आसानी, आर से र हो गया, ए से एक मात्रा, अगर ये दिमाग में आप याद रखें तो एक भी वर्ड नहीं गड़बड़ होगा कि आप इंग्लिश के एक भी वर्ड को ना पढ़ सकें। बस ध्यान में इसको याद कर लीजिए, यही बेसिक नॉलेज है इंग्लिश पढ़ने का। तो अगर आप ये याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी होगी। फिर आर पे चलते हैं और यस पे चलते हैं। यस से सा बनता है, यस से क्या बनता है सा, तो यस से सा बनेगा, यस यू एन सन, यस ओ एन सन अक्सर सा होता है। फिर जा कब बनता है, अक्सर याद रखिए कि जब यस लास्ट में किसी वर्ड के पड़े, लास्ट में किसी वर्ड के पड़े तो जा ही पढ़ा जाता है। जैसे आर आई एस ई राइज, आर ओ एस ई रोज, तो अक्सर यही सब जा पढ़ा जाता है जब लास्ट में होता है, और आगे आगे पढ़ गया तो सा पढ़ा जाता है। ये बात हमेशा याद रखें। फिर देखते हैं इस पे टी, टी से क्या बनेगा टा, और ता भी बनता है। अब सी ए टी कैट, टी टा बन नहीं गया, तो यही याद रखिए हमेशा टी टा टी ऐसे याद रखिए। फिर ता, ता से ओ टी से क्या बनेगा ता, जैसे अगर मान लो मैसेज लिख, हम लोग मैसेज लिख रहे हैं कि तेल ले आना,
तो क्या लिखेंगे, टी ई एल तेल, एल ई ले, ऐसा तो लिखेंगे, तो वही लिखा हुआ है। टी से ताभी होता है यशमस पे लिखने के लिए, या किसी का नाम लिखने के लिए। मान लीजिए लिखें हम तबरेज लिखना हो, तो टी ए बी आर ए जी तबरेज, यही तो लिखेंगे। अब तब लिखना हो तो ए बी अब, टी ए बी तब, तो ही जान लीजिए टी से ता भी बनता है, टा भी बनता है। तो अब यू पे चलते हैं, यू से यू भी बन, यू ही बनता है, और वा भी बनता है, और आ भी अक्सर बनते हैं कभी कभी, और वा कभी कभी बनता है, आ बना करते हैं, यू बना कर, जैसे यू एस यूज, और आ से यू पी अप, यू पी एस ई टी अपसेट, अपवर्ड, अपग्रेड, तो अपडेट, ऐसे बना करते हैं, यू पी अप। तो यू से आ, और यू से यू भी बनता है, यूज, यूनिटी, ऐसे यूनिफॉर्म, यूजलेस, तो यू से यू अक्सर बना करते हैं। अब वी पे चलते हैं, वी से वा बनता है, वा से अगर अक्षर बनाए तो वी ई आर वाई, वेरी, वेरी मीन्स बहुत। और भा क्यों बनता है, भा अक्सर बिहार में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, कहते हैं वेरी वेरी, तो वा से भा भी बनता है, बिहार बिहारी क्षेत्र में ज़्यादा ये सब बोला जाता है, पर यहाँ वा भी बोला जाता है, वेरी। और डब्लू से देखते हैं, डब्लू से क्या बनता है, डब्लू से वा बनता है, जैसे डब्ल्यू ए टी सी एच, वाच, अभी बताए थे ना आपको, यच अगर सी के साथ हो तो चा होता है। तो यहाँ देखिए उपयोग भी आ गया, ध्यान से बैठा लीजिए दिमाग में, डब्ल्यू ए टी सी एच, वाच। फिर यस से चलते हैं, यक्स, यक्स से आएगा जा, अक्सर यक्स से जा, और यक्स से यक्स ही बनते हैं, जैसे यक्स ई आर ओ एक्स, जेरोक्स, हम लोग कहते हैं ना जेरोक्स कराने जा रहे हैं, और देहात के क्षेत्र बोलते हैं झरक्स कराने जा रहे हैं, तो उसका शुद्ध वर्ड होता है जेरोक्स, जेरोक्स मीन्स फोटोकॉपी होता है। और एक्स का आप लोग जानते हैं एक्सरे, एक्समक्सट्री, तो एक्स से एक्स और जा अक्सर बना करते हैं। फिर चलते हैं वाई पर, वाई से या बनते, जैसे वाईओ यू, वाईओ यू आर, योर, वाईओ यू टी एच, यूथ, ये सब बना करते हैं, वाई से या, वाई या, ऐसे मिला मिलता जुलता है ना। तो फिर जेड पे चलते हैं, जेड से जा होता है, जैसे जेड ई वी आर ए, आप लोग पढ़े हैं बी सी टी, जेड फॉर जेब्रा, तो जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा, जे से जा, जेब्रा, इसीलिए पढ़ाया जाता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और शेयर करें। जिन लोगों को अभी बेसिक नॉलेज नहीं पता है, अब अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें या अपने खुद पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, ये पार्ट वन है। कमेंट में बताइए कैसा लगा। मैं वाहिद जाफरी, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।